दोस्तों, हम सभी को इंतजार था वन प्लस टीवी लॉन्च होने का और वो फाइनली अब इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या खास है इस बार वन प्लस की टीवी में, क्या कुछ नया लाया है, क्या है स्पेसिफिकेशन, क्या है प्राइसिंग और कौन कौन से सीरीज लॉन्च किए, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टनाटन शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात कुछ ऐसी कि यहाँ पे वन प्लस ने उनकी दो टीवियाँ लॉन्च की हैं और सीरीज है Q1 की, Q1 Pro, दो अलग अलग टीवी है। लेकिन जो उसका साइज रखा हुआ है टीवी का 55 इंच, दोनों की दोनों ही टीवी मिलने वाला है आपको। और अगर बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो यहाँ पर जो Q1 QLED टीवी है उसकी प्राइस रखी हुई है 70,000 रुपये के आसपास और जो दूसरी वाली टीवी है Q1 Pro उसकी प्राइस रखी है 1,00,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है वन प्लस से। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यार इतना प्राइसिंग उनका ज़्यादा होगा या इतनी हाई प्राइस रखेंगे, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वन प्लस की जो टीवी लॉन्च होगी थोड़ी सी कम होगी, मतलब यहाँ पे प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आपको ये 70,000 रुपये देने चाहिए या फिर आपको ये 1,00,000 रुपये दे के टीवी लेनी चाहिए, अब ये हम आगे डिस्कस करते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि दोनों टीवी में डिफरेंस क्या है, मतलब Q1 और Q1 Pro में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो भी है साउंड अरेंजमेंट का, या फिर बोल सकते हो साउंड का जो उसमें जो इफेक्ट आएगा वो आपको अलग अलग ढंग से दिया गया। तो आपको जो Q1 वाले टीवी है उसमें आपको 4 यूनिट देखने मिल जाएंगे साउंड के, और दूसरी तरफ मैं बात करूँ Q1 Pro के वहां पर आपको 8 यूनिट देखने मिलेंगे। बस यही एक डिफरेंस है। और उसी के साथ ही साथ एक छोटा सा और डिफरेंस निकल गया था साउंड को ही लेके, जहां पे Q1 Pro में आपको स्लाइडिंग इफेक्ट देखने मिलता है होराइजन लाइट के साथ, बस इतना सा ही डिफरेंस दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सो कनेक्टिविटी के लिए यहां पर आपको 4 HDMI पोर्ट और 3 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो HDMI पोर्ट है उसमें से 2 पोर्ट eARC है, इनहांस ऑडियो रिटर्न चैनल, जिसके थ्रू जो स्पीड होगी ऑडियो की बहुत ज्यादा फास्ट और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सुनने मिलेगी। और बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट की तो यहाँ पर 50 वॉट का साउंड आउटपुट भी दिया गया है इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा टीवी में 5.0 वाला, और आप कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस को इसी टीवी में और फुल एंजॉय कर सकते हो। बात कर ले यहाँ पे टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ गूगल असिस्टेंट भी आपको दिया गया है रिमोट में। और जब मैं बात कर रहा रिमोट के बारे में तो रिमोट एक अलग ही लुक दिया गया है कि अलग ही एक्सपीरियंस होगा जब आप टीवी में यूज करो, क्योंकि इसका जो लुक है आप देख सकते हो कितना ही एकदम अलग ही दिया गया है, मेटल फिनिशिंग दी गई है। और आपको ये ऐसा रिमोट आपको बाकी कोई भी ब्रांड अभी तक तो नहीं दे रहा था। और इसी के साथ साथ जो वन प्लस ने एक नई चीज लेकर आई है, एक रिचार्जेबल रिमोट जिसके थ्रू आप अपने जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो उसी ढंग से आप इस रिमोट को भी चार्ज करके फुल एंजॉय कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बैटरी खत्म हो गई आपको बाहर जाके खरीद के लगानी पड़ेगी डबल ए की ट्रिपल ए की, ये सब टेंशन वन प्लस वाले ने दूर कर दी है। और इसी के साथ ही साथ आपको अमेजोन प्राइम का एक डेडिकेटेड बटन दिया गया, और जो रिमोट है काफी मिनिमलिस्टिक दिया गया, मतलब बहुत ही कम बटन आपको देखने मिलेंगे इस रिमोट में, तो एक बहुत अच्छी बात है। और जब मैं बात कर रहा हूँ रिमोट के बारे में तो यहाँ पर हम सभी को बहुत बार प्रॉब्लम होती है स्मार्ट टीवी में, स्पेशली कि जब हम टाइपिंग का प्रॉब्लम होता है या फिर हमको नेविगेशन में प्रॉब्लम होता है, तो ये वन प्लस ने ये चीज को, ये प्रॉब्लम को कंसीडर किया और इस चीज को हम सभी से मतलब ना एकदम फ्री कर दिया है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है उनके वन प्लस कनेक्ट ऐप को। वन प्लस कनेक्ट ऐप के थ्रू होगा कि आपका जो फोन है वो रिमोट की तरह काम करे एकदम परफेक्टली, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पर आप अपने मोबाइल से इजिली कनेक्ट करो और फुल इंजॉय करो, टाइपिंग करना होगा, सर्च करना होगा, सब कुछ आप अपने फोन से करोगे, लेकिन जो उसका इफेक्ट होगा वो आपके टीवी में देखने मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे वन प्लस की तरफ से, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसी टीवी में। बात कर ले यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पर आपको Amazon Prime, Netflix, YouTube, Hotstar सब कुछ परफेक्टली चलने वाला, और इसी टीवी में आपको प्रिंटशॉट देखने मिल जाएगा। हालांकि अभी तक Netflix का अपडेट नहीं आया, तो जब भी आप परचेस करोगे उसके 1 या 2 हफ्ते बाद आपको ये अपडेट देखने मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपको Netflix नहीं मिलेगा, आपको Netflix ऑफिशियली OnePlus की तरफ से देखने जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही साथ अगर आपको आपके मोबाइल का कंटेंट शेयर करना है आपके टीवी में, तो टीवी में आपको इनबिल्ट क्रोमकास्ट दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट शेयरिंग की, या फिर अगर आपको कंटेंट देखना है टीवी में, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन प्ले का सपोर्ट भी देखने मिलेगा, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इसी टीवी में प्री इंस्टॉल देखने मिलेंगे, जो आप अच्छे से इंजॉय करो, फुल मजे करो इसी ही टीवी में।
और दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बड़े फैक्टर के बारे में, जो होता है पिक्चर क्वालिटी, की पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी इसी वन प्लस के क्यूलेट टीवी में। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो वन प्लस ने टीवी लॉन्च की वो क्यूलेट टीवी है, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे यूएसडी 4K टीवी से तो यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब बोलते ना आप बहुत बड़ा बोलते ना इंजाम आप लगाओगे वन प्लस की टीवी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते अल्ट्रा एचडी 4K टीवी से, क्योंकि जो वन प्लस ने टीवी लॉन्च की 4K QLED टीवी है। तो यहां पर मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा कि अल्ट्रा एचडी और QLED में डिफरेंस होता है कि सिर्फ और एक क्वांटम डॉट लेयर का, जिसके थ्रू होता क्या है कि जो क्वांटम डॉट लेयर है वो बहुत अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करता है, अच्छा ब्राइटनेस होता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिर आपको टीवी के पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वांटम डॉट वाले जो लेयर है वो आपको इसी में बहुत अच्छे हेल्प करेगी, आपको अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे अच्छे पिक्चर क्वालिटी होंगी, एकदम सुपर आपको एकदम सुपर इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसी टीवी के पिक्चर क्वालिटी में। और जब मैं बात कर रहा हूँ पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो फिर मैं वन प्लस के पिक्चर इंजन को कैसे भूल सकता हूँ, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है जिसको वन प्लस बोलता है गैमा कलर मैजिक टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू जो आपको कलर्स है बहुत ही अच्छे देखने मिलेंगे, जो पिक्चर क्वालिटी होने वाली है एकदम इनहांस करके आपको देखने मिलेगी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसका नाम है गैमा कलर मैजिक। और इसी के साथ ही साथ डॉल्बी विजन एचडीआर और एचडीआर 10 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, तो आपको समझ लो अच्छे ब्लैक और अच्छे व्हाइट आपको इसी टीवी में देखने मिलेंगे। तो पिक्चर क्वालिटी में कोई भी घबराने वाली बात नहीं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ आपको परफेक्ट देखने मिलेगा, एकदम पिक्चर क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त होने वाली है इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे डॉल्बी एटम का सपोर्ट देखने मिलेगा, इसी के साथ ही साथ आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस की टेक्नोलॉजी भी यूज की है, जिसके थ्रू आपका जो ऑडियो क्वालिटी होगा बहुत ही उभर के आएगा, एकदम मस्त आपको सुनने में लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ऑडियो जो फट रहा है या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा स्पेशली ऑडियो के मामले, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यूज की जो बहुत जबरदस्त है। मैं बात करूं यहाँ पे टीवी के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, वो तो आउटस्टैंडिंग लगी मुझे इस टीवी का, जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आप खुद ही देख सकते हो इतना अच्छा डिजाइन है, एकदम बीजल लेस दिया गया, मतलब आपको बीजल्स आपको टीवी में देखने ही नहीं मिलेगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा दूर दूर तक कि इसमें बीजल्स भी दिए गए। और मैं बात करूं इसी के साथ साथ जो टेबल टॉप है वो एक अलग ही डिजाइन इस बार वन प्लस ने लेके आया है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा जब भी आप ये टीवी यूज करोगे, आपको एकदम डिफरेंट ही लगेगा, क्योंकि आपको आज तक ये कभी कोई भी दूसरा ब्रांड था अभी तक वो नहीं ऐसा कुछ लेके आया था, यहाँ पर OnePlus एक नया डिजाइन इन्वेंट किया है जो कि देखने में बहुत ही एकदम जबरदस्त लगता है। तो ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो यहाँ पर OnePlus ने बोला है कि ब्रांड वारंटी आपको 2 साल की देखने मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात लगी OnePlus की तरफ से। और इसी के साथ साथ मैं एक OnePlus का बोलते ना फोन यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से और मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लगभग 2 साल से भी ज्यादा यूज टाइम हो गया यूज करते हुए और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सपोर्ट भी काफी अच्छा मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो वन प्लस की टीवी उन्होंने लॉन्च की उसका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए कि नहीं। तो यहां पर मैं दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये रहेगा कि यहां पर वन प्लस पहली बार टीवी लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा एक बार टीवी कैटेगरी में हम लोग अगर उसको अगर कंसिडर करें या फिर कंपेयर करें दूसरे ब्रांड से, जहां पर सोनी सैमसंग एलजी जो बोलते हैं ना क्यूलेट टीवी लेके आते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर मैं पिक्चर क्वालिटी बोलूं तो यहाँ पे शायद से थोड़ा सा मार खा सकता है वन प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी है वन प्लस ने वो उनके प्राइसिंग के हिसाब से रखी है, मतलब जो क्यूलेट टीवी आपको 1 लाख रुपए के आसपास आपको देखने मिल जाएगी एलजी की, वही सेम प्राइस वन प्लस ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई भी टीवी अगर लेने जाता तो डेफिनेटली एक रेप्यूटेड ब्रांड में जाएगा जो काफी टाइम से पॉपुलर है, ना कि जो ब्रांड जिसने पहली बार टीवी निकाली है, या फिर वो बोलते ना कि पहली बार टीवी निकाली तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, या डेफिनेटली मैं आपके पॉइंट को कंसीडर करता हूं कि यहां पे वन प्लस जो है वो अच्छे अच्छे फोन निकालता है, मतलब फोन में उसको बीट करने के लिए आज के टाइम में सिर्फ आईफोन के अलावा कोई भी ब्रांड नहीं है। लेकिन अगर बात करूं टीवी के मामले में तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको सभी को इंतजार करना चाहिए कि एक बार थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए या फिर एक बार एक मार्केट में वन प्लस टीवी का ट्रस्ट बन जाए तो फिर हम लोग इजिली खरीद सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन होगा कि अगर हमको खरीदना है तो यहां पे वन प्लस वालों से एक रिक्वेस्ट होगी कि यहां पे जो प्राइसिंग रखी है थोड़ी ज्यादा रख दी है उन्होंने, हमसे उम्मीद होती है, हम हमेशा उम्मीद करते हैं वन प्लस को कि
एटलीस्ट थोड़ी सी प्राइसिंग कम रखे। वो स्पेशली से अगर मैं याद करूँ यहाँ पे वन प्लस वन से लेके उन्होंने वन प्लस सेवन टी अभी जो उन्होंने लॉन्च किया, प्राइसिंग हमेशा एकदम बोलते ना ऐसी रखते कि जो कॉस्ट होता है उतनी ही प्राइसिंग लेता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही रख दी है क्यूरेट टीवी की। तो बाकी आप लोग बताओ कि आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, क्या आप परचेस कर रहे हो, और अगर आप मेरे रिकमेंडेशन लोगे तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है टीवी के मामले में तो आप टीवी डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, बिंदास खरीदो। और दोस्तों अगर आप कोई प्लान कर रहे हो स्मार्ट टीवी लेने का, स्मार्टफोन लेने का, तो ये फिर एक अच्छा टाइम होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिए, आपके लिए कुछ डील्स रखे हुए जो आपको काफी बेनिफिट देंगे, कुछ प्राइसिंग कम आपको देखने मिलेगी, तो डेफिनेटली वहां से आप परचेस भी कर सकते हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा वन प्लस टीवी के बारे में आपका क्या मानना है मुझे जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को और बेल आइकन भी दबाना। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे डील्स जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चल रहे हैं आपको वहाँ पे भी देखने मिलेंगे। कहाँ पर, इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए और वहाँ पे तो बेल आइकन दबाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वीडियो को अन करते इसी के साथ साथ टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।